अब हम लोग सॉलिड के एरिया में एक्सपांशन के बारे में बातचीत करते हैं। तो हम जो बात करेंगे वो है एरियल एक्सपांशन और सुपरफिशियल एक्सपांशन। वो है एरियल एक्सपांशन और सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो मान लो मेरे पास एक सॉलिड है, तो सॉलिड का जैसे लेंथ होता है तो वैसा ही सॉलिड का डेफिनेटली एरिया भी होता है। तो ये है मेरे पास कोई एक सॉलिड एरिया, नॉट नेसेसरी स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया है ए एट टेम्परेचर टी। तो अब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, यानी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डीटी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एरिया इंक्रीजेस बाय डीए। अगर मैं टेम्परेचर को डीटी से इंक्रीज करूंगा तो मेरा एरिया जो है वो भी डेफिनेटली डीए से इंक्रीज करेगा। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया, जैसे लीनियर एक्सपांशन में क्या ऑब्जर्व किया था, जो डीएल बाई एल इज प्रोपोर्शनल टू डीटी, तो यहां पर भी मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, जो डीए बाई ए इज प्रोपोर्शनल टू डीटी। एंड व्हाट वी विल राइट इज डीए बाई ए इज इक्वल्स टू बीटा इंटू डीटी। तो बीटा को हम अल्फा को हम लोग क्या बोले थे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, तो बीटा को हम क्या बोलेंगे, बीटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। बीटा को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, राइट। तो अल्फा को हम बोले थे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, बीटा को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, ओके। सो दोस्तों डीए बाई ए इक्वल्स बीटा डीटी आ गया, वैसा ही इंटीग्रेट मारूंगा मैं डीए बाई ए इक्वल्स टू बीटा डीटी। तो इंटीग्रेट टी वन पे ए वन, टी टू पे ए टू, एग्जैक्टली सिमिलर। बीटा को हम कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर मान लेते हैं ज्यादातर केस में, जो कि सही भी है। एल एन ए टू बाई ए वन इक्वल्स टू बीटा टी टू माइनस टी वन। एंड सो अगर मैं खोलता हूं तो ए टू बाई ए वन मेरे पास आ जाएगा e टू द पावर बीटा टी टू माइनस टी वन। एंड नाउ बीटा इज वेरी स्मॉल, सो बीटा अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है e टू द पावर x को लिख सकता हूं 1 प्लस x, ब्ला 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 ब्ला, सेम लॉजिक। सो ए टू विल सिंपली कम आउट टू बी ए वन इंटू बीटा डेल्टा टी। तो जैसे कि हम लोगों ने लीनियर एक्सपांशन में देखे थे, एग्जैक्टली सिमिलरली यहां पर भी देखे हैं। सो यहां से मैं एक चीज और लिख सकता हूं, डेल्टा ए इक्वल्स टू ए वन बीटा डेल्टा टी, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जैक्टली सेम है, राइट। सो नाउ एग्जैक्टली सिमिलरली मैं वॉल्यूम के बारे में भी बात कर सकता हूं। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या बातचीत करते हैं, क्यूबिकल एक्सपांशन और वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है। सो अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, हमारे पास कोई एक सॉलिड है जिसका टेम्परेचर टी पर वॉल्यूम कितना है, वी, इसका वॉल्यूम जो है वो वी है टेम्परेचर टी पर।
तो टेम्परेचर बढ़ाया बाय एन अमाउंट ऑफ डीटी, तो मेरा वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ेगा बाय एन अमाउंट ऑफ डीवी। सो यहां पर क्या ऑब्जर्व करूंगा मैं, लॉजिकली बताओ, सिमिलरली बताओ। देखो ये सब फिजिक्स के लॉज है, लॉज पे हम सवाल नहीं उठाते हैं, लॉज है तो है। तो यहां पर क्या होगा, डीवी बाय वी इज प्रोपोर्शनल टू डीटी, दैट मीन्स डीवी बाय वी इज इक्वल्स टू गामा डीटी। तो गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपांशन। गामा जो है उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपांशन। सो डीवी बाय वी इक्वल्स टू गामा डीटी। एंड एग्जैक्टली सिमिलरली इंटीग्रेट करते हुए हमारे पास पहले आएगा v2 by v1 e to the power gamma t2 minus t1 and that can be approximately written as 1 plus gamma t2 minus t1 when gamma is constant with respect to temperature and gamma is also small. So v2 can be written as v1 into 1 plus gamma T2 minus T1. So delta V will be simply V gamma delta T. तो exactly linear expansion के साथ ही सारे के सारे एक जैसा ही है, कोई difference नहीं है, इसीलिए हमने linear expansion को बहुत ज्यादा ढंग से किए हैं, जो कि अब volume expansion वगैरह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान बन जाए, राइट? तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा फॉर एन आइसोट्रोपिक सॉलिड। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय आइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक का मतलब होता है जिसके प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है ऑल प्रॉपर्टीज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। जितने भी डायरेक्शन होंगे उन हर डायरेक्शन में हर प्रॉपर्टी हमारा सेम होने वाला है। यानी बेसिकली हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारा अमोर्फस सॉलिड्स के लिए ट्रू है। आगे हम पढ़ेंगे सॉलिड दो टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होते हैं, दूसरा अमोर्फस होता है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके लिए बॉडी कभी आइसोट्रोपिक होता नहीं है, और जो आइसोट्रोपिक नहीं होता है उनको हम बोलते हैं अन आइसोट्रोपिक बॉडीज। ओके, सो ऑल प्रॉपर्टीज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है? तब हमें अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन बनाना है। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं, पहले अल्फा और बीटा में रिलेशन बनाते हैं। तो एक काम कर ले, हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं L1 और L2 का, ठीक है? इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दे रखा है अल्फा और कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन दे रखा है बीटा। कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो है वो है अल्फा, और कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन जो है वो है बीटा, राइट? तो ऑब्वियसली मैं इसका टेम्परेचर को अब डेल्टा टी से इंक्रीज कर रहा हूं। अच्छा, पहले मैं लेंथ का पॉइंट ऑफ व्यू लू। अच्छा, जो ओरिजिनल लेंथ है वो अगर L1 है तो नया लेंथ जो बनेगा L1 डैश, दैट इज L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, आइसोट्रोपिक बोला है तो इस डायरेक्शन में भी अल्फा है, इस डायरेक्शन में भी अल्फा है। अगर एनआइसोट्रोपिक होगा तो मुझे अल्फा 1 और अल्फा 2 लेना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली ऐसे अल्फा नहीं मान सकता हूं। अच्छा, इस डायरेक्शन में L2 डैश क्या होगा मेरे पास,
L2 into 1 plus alpha delta t, right? तो जो मेरा नया एरिया आएगा a dash, तो a dash मेरे पास क्या आ जाएगा, L1 dash L2 dash, that is equals to L1 L2 1 plus alpha delta t का whole square. That is my a dash. Agreed. Okay, ये अगर समझ में आ गया है तो ध्यान देना, L1 L2 मेरा पुराना एरिया है, इसको मैं a बोल सकता हूं. तो a dash आएगा a into 1 plus alpha delta t का whole square. And alpha delta t is pretty small. तो मैं इस पे binomial approximation अगर मार दूं, तो ये आ जाएगा 1 plus 2 alpha delta t. तो a dash आ गया a into 1 plus 2 alpha delta t. But similarly, मैं अगर definition इस्तेमाल करूं, तो definition से मैं बोल सकता हूं, a dash equals to a plus beta delta t. ये तो मेरा डेफिनेशन है. तो ये अगर मेरे पास डेफिनेशन है, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो बीटा मेरे पास सिंपली आ जाएगा 2 अल्फा, राइट? ओके, दैट्स द फर्स्ट रिलेशन. एंड नाउ इसी चीज को आगे एक्सट्रापोलेट करता हूं, मैं और एक डायमेंशन ले लेता हूं, लेट्स फॉर्म अ क्यूबॉइड, एंड बाकी सब कुछ सेम ही है. ये दोनों तो मैं L1 और L2 ही ले लेता हूं. जो मेरा थर्ड डायमेंशन है, लेट्स टेक इट एज L3, ठीक है, लेट्स टेक इट एज L3. तो बाकी तो L1 और L2 जैसे पहले डिफाइंड था वैसे ही है. ये L1 है और ये L2 है. तो L1 dash और L2 dash तो मुझे मालूम है, तो मैं L3 dash क्या लिख सकता हूं, L3 into 1 plus alpha delta t. तो जो क्यूबॉइड है उसका नया डायमेंशन क्या क्या है, उसका नया डायमेंशन क्या है, L1 dash, L2 dash और L3 dash, right? So V dash, L1 dash, L2 dash, L3 dash अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा L1, L2, L3 1 plus alpha delta t का होल क्यूब. एंड ध्यान देना ये पुराना वॉल्यूम है. सो V dash विल बी इक्वल्स टू V, एंड अप्लाइंग द बाइनोमियल दिस विल बी 1 plus 3 alpha delta t. लेकिन मेरे पास और एक हथियार है, और वो एक हथियार क्या है, डेफिनेशन. तो डेफिनेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, V' जो है वो है V1 plus gamma delta t. और अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं तो सिंपली मेरे पास एक चीज आ जाएगा, दैट इज गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा. दैट्स द सेकेंड रिलेशन. And now, if I compare, so beta is 2 alpha, gamma is 3 alpha. So, एक साथ मैं करके लिख सकता हूं, alpha is equals to beta by 2 will be equals to gamma by 3 for isotropic materials. हाँ, हमारा material जो है वो हमारा isotropic होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आइसोट्रोपिक नहीं होगा तो इन दैट केस मैं डेफिनेटली ये नहीं बोल सकता हूं. ओके, समझ में आया? तो अनआइसोट्रोपिक मटेरियल को कैसे हैंडल करेंगे सर, देखते हैं नेक्स्ट में. ओके, तो अब हम लोग अनआइसोट्रोपिक मटेरियल को लेकर बातचीत करना चालू करते हैं. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक अनआइसोट्रोपिक, हमारे पास है एक अनआइसोट्रोपिक क्यूबॉइड जिसका अल्फा 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट है, और वो है अल्फा एक्स, अल्फा वाई और अल्फा जेड. ठीक है, वो जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसको मैंने विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी मान लिया, अल्फा एक्स, अल्फा वाई
and alpha z. So from that we have to find gamma. ये जो anisotropic cuboid है, then we have to find the value of gamma. तो मैं क्या करूंगा, मैं एक cuboid लूंगा जिसका एक साइड x के along है, एक साइड y के along है और एक साइड z के along है. तो now let's see. ध्यान देना, ओके, राइट, ये मेरा ओरिजिन है. मैंने लेफ्ट हैंड सिस्टम ले रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कैसा भी सिस्टम ले सकता हूं. ये है मेरा z, ये है मेरा y और ये है मेरा x, ठीक है. तो ये जो मेरा क्यूबॉइड है, मान लेता हूं इस लाइन का लेंथ है x, ये वाला जो साइड है इसका लेंथ है y और ये वाला लेंथ जो है वो है z. तो जो क्यूबॉइड का इनिशियल वॉल्यूम होगा दैट विल बी सिंपली एक्स वाई जेड. जो मेरा क्यूबॉइड का ओरिजिनल वॉल्यूम होगा दैट विल बी सिंपली एक्स वाई जेड, ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, तो ध्यान देना इसमें क्या करना है. जो मेरा अभी x है, ठीक है, जब मैं टेम्परेचर को डेल्टा t से बढ़ाऊंगा तो x डैश मेरा कितना होगा. x इंटू वन प्लस अल्फा x डेल्टा t. मेरा y डैश कितना होगा, y इंटू वन प्लस अल्फा y डेल्टा t. और मेरा z डैश कितना होगा, z इंटू वन प्लस अल्फा z डेल्टा t. तो अब जो मेरा नया वॉल्यूम होगा v डैश, वो v डैश क्या होगा, x डैश y डैश z डैश, दैट इज x y z into 1 plus alpha x delta t into 1 plus alpha y delta t into 1 plus alpha z delta t. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और अच्छे से नेग्लेक्ट करो. 1 आएगा, alpha x delta t आएगा, alpha y delta t आएगा. अगले वाले टर्म को नेग्लेक्ट करूंगा, राइट, क्योंकि alpha x small है, alpha y small है. तो अल्फा एक्स इंटू अल्फा वाई के बारे में जितना कम बात किया जाए उतना अच्छा है. तो पहले क्या आया मेरे पास, एक्स वाई जेड वन प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई इंटू डेल्टा टी प्लस सॉरी इंटू वन प्लस अल्फा जेड डेल्टा टी. एंड नाउ इवन इफ आई मल्टीप्लाई तो सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड वन का तो वन हो जाएगा, ये टर्म एज इट इज रहेगा, यहां पर अल्फा जेड आएगा, नेक्स्ट वाला टर्म को नेग्लेक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड इंटू डेल्टा टी. और विडैश जो है वो मेरा डेफिनेटली कितना है, वी. तो मेरे पास क्या जाएगा, वी इंटू वन प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड इंटू डेल्टा टी. एग्रीड. सो डेफिनेशन से वी इक्वल्स टू वी इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी. सो इफ आई कंपेयर, गामा मेरे पास सिंपली आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड. अच्छा, इतना दिमाग की दही नहीं करके एक डायरेक्टली करने का भी तरीका था, देख लो क्या तरीका है. वी में क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई जेड, टेक लॉग, टेक लॉग एल एन वी एल एन एक्स एल एन वाई एल एन जेड. ओके, नाउ लेट्स डिफरेंशिएट. तो जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा क्या होगा,
1 by v dv by dt, 1 by x dx by dt, 1 by y dy by dt, 1 by z dz by dt. Now this is by definition, kya likh sakta hu? dv by dt is what? V into gamma. So y by v ho gaya, to ye to sila gamma ho gaya. dx by dt, x into alpha x, to ye ho gaya alpha x. dy by dt, y into alpha y, y by cut, alpha y. And similarly, ye mere paas kya jayega? Alpha z. तो गामा मेरे पास आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड. अच्छा, इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकता है? चलो मान लो टेक इट एज अ क्यूब. ये क्यूबॉइड नहीं है, ये क्यूब बोल दिया है, ठीक है. तो अब जो ये बॉडी डायगोनल होगा, टेक इट एज अ क्यूब, एंड अब जो ये बॉडी डायगोनल होगा, कंप्यूट अल्फा अलोंग द बॉडी डायगोनल. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट अल्फा अलोंग द बॉडी डायगोनल. ये एक्स वाई जेड का लेंथ जो है वो मेरा सेम है, बट ऑब्वियसली अल्फा एक्स अल्फा वाई और अल्फा जेड जो है वो मेरा डिफरेंट है. तो मुझे बॉडी डायगोनल के अलोंग अल्फा निकालना है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा? अच्छा ध्यान देना, अगर मैं इस बॉडी डायगोनल का लेंथ को एल मानता हूं, राइट, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट डेफिनेटली कितना है? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, राइट. So obviously बात है, मैं एल स्क्वायर लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, हाँ कि ना, राइट. सो अब इसको डिफरेंशिएट करो, 2l इंटू डीएल बाई डी टी, टू एक्स इंटू डीएक्स बाई डी टी प्लस टू वाई इंटू डीवाई बाई डी टी प्लस टू जेड इंटू डीजेड बाई डी टी, राइट. सो नाउ दिस इज कट, राइट. नाउ डीएल बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं? एल स्क्वायर इंटू अल्फा इक्विवेलेंट. dl by dt is l into alpha equivalent. L is the length of the diagonal. इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x square into alpha x. इसको मैं क्या लिख सकता हूं? y square into alpha y. और z square क्या लिख सकता हूं? z square into alpha z. अब मान लो, सिंपल सी बात है, क्यूब लेने बोला है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि anisotropic है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. क्यूब का जो डायरेक्शन होगा, क्यूबॉइड का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, तो हमें जो कंडीशन दिया है वो इंपॉर्टेंट है यहां पर. तो मान लेता हूं यहां पर x equals to y equals to z, that is equals to a, तो l जो है वो मैं है, मेरा रूट थ्री है. तो यहां पर अगर मैं देखता हूं 3a square into alpha equivalent, ए स्क्वायर कॉमन लेते हुए अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, ये मेरे पास आ जाएगा. सो नाउ सिंपली ए स्क्वायर कट. सो अल्फा इक्विवेलेंट इज अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड बाय थ्री. सो दैट विल बी द इक्विवेलेंट अल्फा along the body diagonal in the case of a cube. By symmetry ये होना भी चाहिए था. अच्छा कुछ भी दे सकता है, फर्क नहीं पड़ता है. अगर मान लो हमें बोला x के along length a है,
y के along length a है, z के along 2 है, तो भी निकाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है, l आ जाएगा, कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर, वो आ जाएगा, l का लेंथ x मालूम है, y मालूम है, z मालूम है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, बाकी इन जनरल रिलेशन तो मैंने पहले ही निकाल के रखा हूं, क्या आएगा मेरे पास अल्फा इक्विवेलेंट, x स्क्वायर अल्फा x प्लस y स्क्वायर अल्फा y प्लस z स्क्वायर अल्फा z by l स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब उसके बाद x y z में जो कंडीशन पुट करने बोले वो कंडीशन हम आसानी से पुट कर सकते हैं। आई होप ये चीज समझ में आया होगा, राइट। एनिसोट्रोपिक मटेरियल का और एक केस देखते हैं, अब हम देखते हैं इन द केस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर में बहुत ही आसानी से एनाइसोट्रोपिज्म आ सकता है, वो क्या है, कैसा है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा एक्सियल डायरेक्शन है, और ये जो है वो हमारा रेडियल डायरेक्शन है, ठीक है। जो हमारा क्यूबॉइड है, सॉरी जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर का जो एक्सिस है उनको हम एक्सियल डायरेक्शन मान ले, और कोई भी रेडियस बनाओ पूरा 360 डिग्री एंगल पे, उसको हम क्या बोल देंगे, रेडियल डायरेक्शन। सो एक्सियल डायरेक्शन के अलोंग कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फा ए, और रेडियल डायरेक्शन के अलोंग कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फा आर। तो सिंपल सी बात है, फाइंड गामा, कैसे निकालेंगे, ओके ये वाला हाइट हम मान लेते हैं h, ये वाला हाइट हम मान लेते हैं h, रेडियस हम मान लेते हैं r, ये वाला हाइट हम मान लेते हैं h, ये वाला रेडियस को हम मान लेते हैं r। तो सिंपल सी बात है, जो वॉल्यूम है v, दैट v विल बी इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, ln v ln पाई प्लस 2 ln r प्लस ln h, सिंपल डिफरेंशिएट, बिंदास करो डिफरेंशिएशन, ऐसे केस के लिए तो सिखाया गया है। तो 1 by v into dv by dt क्या आएगा, ये 0 प्लस 2 into 1 by r dr by dt प्लस 1 by h into dh by dt, ये मेरे पास आ जाएगा। नाउ dv by dt क्या है मेरे पास, dv by dt क्या होगा, v into gamma, vv cut, तो सिंपली क्या आ गया मेरे पास, बताओ बच्चों, gamma, dr by dt कितना होगा, r into alpha r, radial dash में कितना दे रखा है मैं, alpha r, so dr by dt क्या है, r into alpha r, rr cut, 2 into alpha r, dh by dt क्या होगा, h इस dash में क्या दे रखा है, alpha a, so dh by dt, h into alpha a, hh cut, simply क्या आ जाएगा, 2 alpha r plus alpha a। तो अगर हमारे पास an isotropic material भी आ जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सारे के सारे प्रोफाइल्स मैंने यहां पर करवा दिया हूं, इसके बाहर और कुछ नहीं आ सकता एग्जाम में, राइट। अच्छा जल्दी से एक चीज देख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, हमारे टेम्परेचर के साथ डेंसिटी किस तरफ वेरी करेगा वो हम देखते हैं। अच्छा मान लेता हूं कोई एक बॉडी है, उसका मास है m, वो तो हमारा फिक्स्ड है, मास है m, मास जो है वो हमारा फिक्स है, तो वॉल्यूम स्टार्टिंग में था v नॉट, तो जो इनिशियली डेंसिटी था वो था m by v नॉट। अब टेम्परेचर चेंजेस बाय डेल्टा t, तो जो नया वॉल्यूम होगा v, v नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा t, राइट। तो सिंपली मैं एक चीज बोल सकता हूं,
जो नया डेंसिटी होगा, मास तो मेरे पास फिक्स है, दैट विल बी एम बाई वी, दैट इज एम बाई वी नॉट इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी, एंड एम बाई वी नॉट इज नथिंग बट रो नॉट, तो रो इक्वल्स टू रो नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी टू द पावर माइनस वन, एंड जनरली गामा डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट गामा इक्वल्स टू गामा नॉट रो नॉट इंटू वन माइनस गामा डेल्टा टी. तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे लॉजिकली भी हमारा डेंसिटी कम होना चाहिए था, जो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं. तो वॉल्यूम का वेरिएशन और डेंसिटी का वेरिएशन डायरेक्टली एक दूसरे का उल्टा है. वॉल्यूम अगर वन प्लस गामा डेल्टा टी से बढ़ेगा तो डेंसिटी जो है वो वन माइनस गामा डेल्टा टी से कम होने वाला है. सो हम लोग सॉलिड के बारे में लगभग लगभग सारे चर्चाएं कर चुके हैं. अब हम लोग लिक्विड की तरफ ट्रांजिशन लेने वाले हैं, एंड जब हम लोग लिक्विड की तरफ एक बार ट्रांजिशन ले लेंगे, लिक्विड में हम जानते हैं जो केवल और केवल हमारे पास होते हैं, लिक्विड में हमारे पास क्या होते हैं, केवल और केवल वॉल्यूम, लेंथ और एरिया का कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज लिक्विड डज नॉट हैव अ फिक्स्ड लेंथ और एरिया. सो फॉर लिक्विड वी आर गोइंग टू डिफाइन ओनली द क्यूबिकल एक्सपांशन एंड नथिंग एल्स. ओके ओके दोस्तों, सो आफ्टर सॉलिड्स वी विल डिस्कस द थर्मल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड्स. अच्छा, जनरली लिक्विड का मॉलिक्यूल्स जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी लूजली हेल्ड होते हैं, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन भी थोड़े ज्यादा होते हैं, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में भी है. तो इन सारे फैक्टर पे मुद्दे पे नजर रखते हुए एक चीज तो हम पहले थोड़ा क्लियर बोल सकते हैं, जो एक्सपांशन इन लिक्विड्स, एक्सपांशन इन लिक्विड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपांशन इन सॉलिड्स. यानी इन जनरल चाहे कुछ भी हो जाए, हर केस में विदाउट एनी एक्सेप्शन हम एक चीज हमेशा एज्यूम करेंगे, जो हमारा लिक्विड का गामा होगा वो हमारा सॉलिड का गामा से डेफिनेटली ज्यादा होने वाला है, राइट? अच्छा, लिक्विड के लिए भी दो चीजें बिल्कुल ट्रू रहेंगे, वो है v dash will be equals to v into 1 plus gamma liquid delta t, जैसे हमने सॉलिड के लिए किए थे. और इसके अलावा एक और चीज डिफाइंड होगा, rho dash equals to rho into 1 minus gamma liquid delta t, right? ये दोनों चीज एज इट इज हमारा सॉलिड की तरह लिक्विड में भी वैलिड रहने वाला है. लिक्विड में थोड़े बहुत और इंटरेस्टिंग चीज आएंगे, क्योंकि लिक्विड हमारा ओवरफ्लो कर सकता है, लिक्विड में जो डेंसिटीज वगैरह में बदलाव होंगे वो हमारे काफी सब्सटेंशियल होने वाले हैं. और साथ ही साथ एक और चीज, लिक्विड को रखने के लिए हमेशा हमें कंटेनर की जरूरत पड़ती है, तो वो वाले कंटेनर के कारण उस कंटेनर का भी एक्सपांशन होगा. तो बहुत सारी जगह पर हमें उसके एक्सपांशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा. सो दैट मेक्स द लिक्विड अ बिट मोर इंटरेस्टिंग. द रीजन इज यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हमारे साथ में आने वाला है. सबसे पहले एकदम आसान से चालू करते हैं बिना कुछ दिमाग लगाए. मान लो हमारे पास एक YouTube है. सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल. इसमें दो लिम्स है, राइट? जो मेरा लेफ्ट वाला लिंब है, जो मेरा लेफ्ट वाला लिंब है वो मेरा मेंटेन है एट टेम्परेचर T1, और जो राइट वाला लिंब है उसमें मेरा टेम्परेचर मेंटेन है T2, ठीक है? T1 इज ग्रेटर देन T2. तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, जब मैंने कोई लिक्विड को रखा इस यूट्यूब में, तो तब लिक्विड के दोनों तरफ जो हमारा लिम में हाइट है लिक्विड का, वो हमारा सेम नहीं है,
दैट इज अ बिट डिफरेंट. और इसमें ये डिफरेंस जो आया है, सपोज दैट इज एच, यहां पर लिम में जो डिफरेंस आया है, सपोज दैट वन इज एच, ठीक है. तो सवाल यहां पर ये है, जो मैं एच के अलावा मैं एक भी काम करता हूं, मैं इन जनरल दे देता हूं, दोनों तरफ का लेंथ ही दे देता हूं, वो बेटर रहेगा. यहां का जो हाइट है वो आया है एच टू, यहां का जो हाइट आया है वो आया है एच वन, ठीक है. तो यहां से हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट गामा ऑफ द लिक्विड. अच्छा, ये एज्यूम कर लेना यहां पर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ग्लास ट्यूब है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो हमें गामा निकालना है लिक्विड में, तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान देना, दोनों तरफ मेरा टेम्परेचर डिफरेंट है T1 और T2, तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट हैंड साइड में अगर मेरा लिक्विड का प्रेशर है ρ1 और राइट हैंड साइड में अगर लिक्विड का प्रेशर है ρ2, लेफ्ट हैंड साइड में लिक्विड का प्रेशर है ρ1, राइट हैंड साइड में लिक्विड डेंसिटी है ρ2, तो मैं इस पॉइंट पे और यहां पर दो पॉइंट ले रहा हूं, इस पॉइंट का प्रेशर है P1, इस पॉइंट का प्रेशर है P2, राइट, समझ में आया. बट P1 और P2 मेरा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो ऑब्वियस सी बात है P1 मस्ट बी इक्वल्स टू P2, राइट. तो अब अगर मैं देखूं तो ρ1 जी एच वन मस्ट बी इक्वल्स टू ρ2 जी एच टू, सो जी जी इज कैंसल्ड. So what I can say, ρ1, अच्छा ρ1 को मैं क्या लिख सकता हूं, मान लो T0 टेम्परेचर में उसका डेंसिटी होता है गामा, मान लेता हूं, राइट. तो इसको मैं लिख सकता हूं ρ0 इंटू 1 माइनस गामा T1 माइनस T0, टेम्परेचर T1 पे जो डेंसिटी लिख सकता हूं उसको मैं ये लिख सकता हूं. T0 टेम्परेचर मेरा कोई रेफरेंस टेम्परेचर है, मैं कुछ भी मान सकता हूं, डजेंट मैटर. ρ0 इज इक्वल इंटू 1 माइनस गामा T1 माइनस T0, ये टेम्परेचर T1 पे मेरा डेंसिटी है, एंड दैट इंटू H1 मस्ट बी इक्वल्स टू ρ0 इंटू 1 माइनस गामा T2 माइनस T0 इंटू H2. ये रिलेशन मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं. सो अब मेरा ρ0 को अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूं जो H1 by H2 मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस गामा T1 माइनस T0 by 1 माइनस गामा T2 माइनस T0, ये तो मैं लिख सकता हूं, हाँ कि ना, राइट. ये मेरा H1 by H2 का वैल्यू आ जाएगा. सो अब अगर मेरे पास, सॉरी ये H2 by H1 है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी. तो अब अगर मैं इसको कंप्यूट करूंगा, ध्यान देना T0 मेरे लिए अननोन है, T0 जो है वो मेरे लिए कंप्लीटली अननोन है. तो अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, सॉल्विंग के लिए बेस्ट टेक्निक जो मैं देख पा रहा हूं, Why shouldn't I apply component to dividendo? Right? ध्यान देते हैं कैसे करना है. अगर मैं component to dividendo apply करूं H2 by H1 by H1 minus H2, तो ऊपर component to लगाओ, क्या आएगा, 1 minus gamma into T1 plus T2 minus 2T0. और नीचे अगर मैं अप्लाई करूंगा, इट हैज टू बी दिस माइनस दिस, तो आ जाए 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी गामा T1 माइनस T2, राइट. एंड गामा इंटू T1 प्लस T2 माइनस T0 इज डेफिनेटली स्मॉल, क्योंकि लिक्विड का जो गामा होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर 10^-4 और लाइक दैट, ठीक है. लिक्विड का जो गामा होता है वो 10^-4 के जैसे होते हैं,
तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला टर्म को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं. ओके सो एच टू प्लस एच वन बाई एच वन माइनस एच टू इज इक्वल्स टू टू बाई गामा टी वन माइनस टी टू. तो यहां से मेरे पास गामा सिंपली क्या जाएगा, गामा विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू टू टाइम्स एच वन माइनस एच टू बाई एच वन प्लस एच टू इन टू टी वन माइनस टी टू. ये मेरे पास आ जाएगा गामा का वैल्यू. तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मैनिपुलेशन है. कॉन्सेप्ट में केवल एक ही पार्ट है, मैं दोनों पॉइंट का प्रेशर लिख दिया P1 और P2 और डेंसिटी का वेरिएशन विथ टेम्परेचर मैंने ले लिया. कॉन्सेप्चुअली केवल यही था, बाकी सिंपल मैनिपुलेशन के थ्रू हम आसानी से इसका गामा निकाल सकते हैं. अच्छा तो लिक्विड का गामा निकालने का और उसका एप्लीकेशन का सबसे बढ़िया जो टेक्निक था, जो सबसे पहले इंसान ने निकाला था, दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट थर्मोमीटर. तो पहले हम देख लेते हैं वेट थर्मोमीटर क्या है एग्जैक्टली. ध्यान देना, व्हाट इज वेट थर्मोमीटर. मेरे पास एक कंटेनर है, ये इसका कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो नोन होता है. ये वाला कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो नोन होता है V0, ठीक है. और इसका जो कॉफिशियंट ऑफ लीनियर क्यूबिकल एक्सपांशन होता है से दैट इज इक्वल्स टू गामा सी. इस पूरे चीज को मैं एक कंटेनिंग बाउल में रखता हूं, राइट. अब उसके बाद क्या है, मैं इस वाले जो लिक्विड है इसका इस लिक्विड से मैं ब्रिम टू ब्रिम फिल करता हूं, एकदम पूरा का पूरा खचा खच भरा हुआ होना चाहिए, पूरा का पूरा भरा हुआ होना चाहिए. यानी लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो भी मेरा V नॉट पे है. टेम्परेचर राइट नाउ इज इक्वल्स टू T नॉट, ठीक है. लिक्विड का कुछ कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है, वो है गामा एल, राइट. नाउ मैं इसको हीट किया, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई डेल्टा टी. जो हमारा टेम्परेचर है उसको मैंने इंक्रीज किया हूं बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा टी. मुझे एक चीज और मालूम है, ये लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रो नॉट है एट टेम्परेचर टी नॉट. अच्छा जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, मान लो मैं नीचे से हीट करूंगा, तो ध्यान देना एक चीज, लिक्विड लेवल फर्स्ट फॉल्स then rises and then overflows. जो हमारा लिक्विड लेवल होगा वो स्टार्टिंग में, ध्यान देना जैसे मैं कंटेनर को गर्म करूंगा तो स्टार्टिंग में लिक्विड लेवल कुछ देर के लिए अचानक से ड्रॉप करते हुए नजर आता है एंड फिर जो है वो लिक्विड लेवल बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है एंड अल्टीमेटली क्योंकि लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, तो सिंपल सी बात है कंटेनर से ज्यादा एक्सपांड हमारा लिक्विड करता है एंड इवेंचुअली इट ओवरफ्लोस और ये जो मेरा कलेक्टिंग कंटेनर है उसके अंदर मेरा लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, राइट. समझ में आया. अच्छा फर्स्ट में फॉल क्यों करता है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है. ध्यान देना दोस्तों, लिक्विड में गर्म करने में थोड़ा फाइनाइट टाइम की रिक्वायरमेंट होती है. यानी ऐसा नहीं है जो मैं लिक्विड को गर्म करूंगा और मैंने कंटेनर को हीट दिया और लिक्विड भी तुरंत गर्म होना चालू होता है. व्हाट हैपेंस इज पहले तो जो हीट है वो प्राइमरीली कंटेनर पे जाती है और कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है. लिक्विड क्योंकि
हम आगे देखेंगे कन्वेक्शन के थ्रू अपना टेम्परेचर को बढ़ाता है, हीट ट्रांसफर करता है. सो इट टेक्स सम टाइम. सो सॉलिड कंटेनर का टेम्परेचर अचानक से बढ़ता है. सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज कंपेयर टू लिक्विड्स. हाँ, मर्क्यूरी इज अ डिफरेंट बॉल गेम. मर्क्यूरी इज मेटालिक, सो इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अदरवाइज नॉर्मल सॉलिड्स है, ग्लास टाइप की चीजें जहां पर, या प्लास्टिक कंटेनर जहां पर रख के हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वहां पर एक बात ध्यान देना, जो मुश्किल होता है हीट ट्रांसफर करना. सो लिक्विड्स आर पोर कंडक्टर एज कंपेयर टू सॉलिड्स. सो या पहले कंटेनर जो है वो मेरा अचानक से गर्म होता है, राइट, एंड उसके बाद जो हमारा लिक्विड है वो हमारा गर्म होना चालू होता है. तो स्टार्टिंग में क्योंकि सॉलिड गर्म हो गया तो उसका थर्मल एक्सपांशन होता है, कंटेनर का साइज अचानक से बढ़ जाता है. लिक्विड का साइज तब तक बढ़ता नहीं है क्योंकि उसका टेम्परेचर में इंक्रीमेंट में टाइम लगता है. तो स्टार्टिंग में जो हमारा लेवल है वो फॉल करता है, और उसके बाद जैसे जैसे कन्वेक्शन के थ्रू अपना टेम्परेचर वो इंक्रीज करता है तो लिक्विड का इंक्रीज फिर दिखना चालू होता है. एंड देन लिक्विड कीप्स राइजिंग 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 एंड अल्टीमेटली ऑब्वियस सी बात है लिक्विड विल एक्सपांड मोर देन द सॉलिड. तो एज लिक्विड एक्सपांड्स मोर देन द सॉलिड इज प्रेटी ऑब्वियस प्रेटी ऑब्वियस प्रेटी ऑब्वियस जो हमारा लिक्विड जो है वो ओवरफ्लो करके निकल जाएगा. एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग. मान लो यहां पर लिक्विड ओवरफ्लो कर गया, इस तरीके से गिर गया, और यहां पर जो मास कलेक्ट हुआ दैट इज डेल्टा एम. सो डेल्टा एम मास इज कलेक्टेड. तो अगर डेल्टा एम मास को मैंने कलेक्ट किया हूं, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी. ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है. तो मैंने कितने से अपना टेम्परेचर को राइज किया, लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप. बहुत सिंपल सी बात है, दो तीन चीजें ध्यान देना, आसान कंप्यूटेशन है. अच्छा, भूल जाता हूं ओवरफ्लो करेगा, भूल जाता हूं, पहले आंख बंद कर लेता हूं, कुछ नहीं हो रहा है, लिक्विड उसी के अंदर है. तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वीसी, दैट विल बी वी इंटू वन प्लस गामा सी डेल्टा टी, राइट. जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट इंटू वन प्लस गामा सी इंटू डेल्टा टी. ये तो मैं लिख सकता हूं. एंड दूसरा, अगर ध्यान देना, जो मेरा वी लिक्विड होगा दैट विल बी वी नॉट इंटू वन प्लस गामा एल इंटू डेल्टा टी, राइट. आई होप दैट पॉइंट इज अंडरस्टूड. अगर ओवरफ्लो नहीं करता तो ये सिनेरियो होता, लेकिन ऑब्वियसली बात है एज गामा एल इज ग्रेटर देन गामा सी तो दैट विल सिंपली इंप्लाई वी एल विल बी ग्रेटर देन वी सी. सो वॉल्यूम ओवरफ्लोन मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा वी विल बी सिंपली इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो होना चाहिए था अगर वो पूरा एक्सपांड कर पाता, माइनस द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर वीसी. सो डेल्टा वी क्या जाएगा, वी नॉट इंटू वन प्लस गामा एल डेल्टा टी माइनस वी नॉट इंटू वन प्लस गामा सी डेल्टा टी. तो अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं, वन वन तो कटेगा और मेरे पास सिंपली आ जाएगा डेल्टा वी इक्वल्स टू वी नॉट वन प्लस इंटू गामा एल माइनस गामा सी इंटू डेल्टा टी. डेल्टा वी विल बी सिंपली इक्वल्स टू वी नॉट इंटू गामा एल माइनस गामा सी इंटू डेल्टा टी. ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी. अच्छा, इससे और एक चीज इंपॉर्टेंट,
अगर हम अनपढ़ गवार होते तो हमें तो यही लगता जो जितना वॉल्यूम गिरा है वो पूरा का पूरा लिक्विड के कारण ही गिरा है। सो हमें ये गामा नजर होता, हमें ये वाला गामा नजर आता, ध्यान दो, अगर मैं अनपढ़ गवार होता, यानी मुझे ये आइडिया नहीं होता जो कंटेनर भी एक्सपांड करता है तो जितना वॉल्यूम ओवरफ्लो किया है, मैं तो सीधी की सीधी बात ये ले लेता ना, जो यही मेरा वॉल्यूम एक्सपांड हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, डेल्टा वी मेरे पास आ रखा है, तो मैं सीधा फॉर्मूला मारता, डेल्टा वी इक्वल्स टू वी नॉट गामा डेल्टा टी, राइट। तो वो जो मैं गामा निकालता वो ऑब्वियसली बात है गलत है। तो ये जो गामा है इसको हम बोलते हैं गामा एपरेंट। तो बिफोर यू प्रोसीड एनी फर्दर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन तो पहले जान लो, जो गामा एपरेंट इज इक्वल्स टू गामा रियल, सॉरी गामा रियल माइनस गामा कंटेनर, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन तो मैंने पहले लिख दिया, जो गामा रियल इक्वल्स टू गामा एपरेंट प्लस गामा कंटेनर, ये एक रिलेशन है जो हमें ध्यान देना पड़ेगा। एपरेंट वो है जो हमारे गंवारपन से आया, रियल ये है जो कि असली में लिक्विड का गामा है। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है राइट नाउ। तो डेल्टा वी जो हमारा एक्सपेल्ड होगा वो हमारा कितना होगा, वी नॉट इंटू गामा एल माइनस गामा सी इंटू डेल्टा टी। अच्छा, टेम्परेचर मेरा डेल्टा टी से बड़ा है और इनिशियल डेंसिटी जो था वो मेरा था रो नॉट। सो रो अब जो नया होगा वो होगा रो नॉट इंटू वन माइनस गामा एल इंटू डेल्टा टी, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो सिंपली मेरे पास जो डेल्टा एम होगा वो कितना होगा, रो नॉट इंटू वी नॉट रो एल माइनस रो सी डेल्टा टी इंटू वन माइनस गामा एल इंटू डेल्टा टी, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। मेरे पास ये आ जाएगा, समझ में नहीं आया, तो ये है मेरा डेल्टा टी और डेल्टा एम में रिलेशन। अगर मुझे डेल्टा टी निकालने के लिए बोले तो इसको मैं प्रैक्टिकली वन ही मान लूंगा, डेंसिटी का वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली बात है कंप्यूटेशन करना बहुत टफ रहेगा, वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन डेल्टा टी, जिसका ज्यादा मतलब भी नहीं है, क्योंकि अगर मेरा डेल्टा टी स्मॉल है तो ये क्वांटिटी गामा एल डेल्टा टी सफिशियंटली स्मॉल होगा। तो सिंपली मैं डेल्टा एम को लिख सकता हूं रो नॉट वी नॉट गामा एल माइनस गामा सी इंटू डेल्टा टी, डिवाइड कर दो, मेरे पास डेल्टा टी का वैल्यू आ जाएगा, एंड बाय दैट वर्च्यू इट कैन एक्ट एज एन थर्मोमीटर। तो लिक्विड के लिए एक बात ध्यान देना, हमने यहां से दो चीज सीखे हैं, जो किस तरीके से लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो ओवरफ्लो करता है, वॉल्यूम डेंसिटी इनके वेरिएशंस कैसे होते हैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन सीखे, दैट इज द गामा रियल इक्वल्स टू गामा एपरेंट प्लस गामा कंटेनर, राइट। ये हमारा मेन फॉर्मूला रिगार्डिंग द वेट थर्मोमीटर है, याद नहीं रखना है कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो हमें डेफिनेटली मालूम होना चाहिए। एग्जाम में सीधा नाम लेके आएगा जो ये एक वेट थर्मोमीटर है, वहां पर इसका वर्किंग डेफिनेटली कोई एक्सप्लेन नहीं करने वाला है, ओके। अच्छा, तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लो जल्दी से, मेरे पास जो पहला कंटेनर है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फा वन, और मैं वहां पर जब एक्सपेरिमेंट किया तो मेरा एपरेंट गामा आया गामा वन, ठीक है, मेरे गवारपन करने पे जो गामा मैंने देखा वो आया गामा वन। तो मेरे पास एक दूसरा कंटेनर है, इसे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मुझे मालूम नहीं है, बट उस पे एक्सपेरिमेंट करने पर
जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन आया है वो आया है गामा टू। तो मेरा सवाल ये है जो दूसरे वाले का, हमारा गामा सॉरी अल्फा कितना है? कंटेनर को आइसोट्रॉपिक मानना है तो चुपचाप मान सकते हो, उसमें मुझे कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम उस चीज को, ध्यान देना। कंटेनर का गामा सी वन कितना होगा? 3α1। और गामा सी टू कितना होगा? 3α2। तो गामा रियल जो है वो तो है ही, वो तो लिक्विड का प्रॉपर्टी है। तो वो अगर लिक्विड का प्रॉपर्टी है तो सिंपल सी बात है, गामा वन प्लस 3α1 मस्ट बी इक्वल्स टू गामा टू प्लस 3α2। तो एपरेंट प्लस कंटेनर मस्ट बी इक्वल्स टू एपरेंट प्लस कंटेनर, क्योंकि रियल जो है वो तो रियल है। सो मेरे पास ये आ जाएगा 3α2 3α1 गामा वन माइनस गामा टू। तो सिंपली अब अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा 2 का वैल्यू आ जाएगा। तो अल्फा 2 मेरे पास कितना आ जाएगा, अल्फा 2 विल सिंपली कम आउट टू बी अल्फा 1 प्लस गामा 1 माइनस गामा 2 बाई 3। तो इस तरीके से हम कोई अननोन सॉलिड का कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन भी निकाल सकते हैं। हम दो अलग, गामा एपरेंट निकालना बहुत आसान है, हमें सिंपली वॉल्यूम एक्सपेल देखना है और वहीं से मेरे पास गामा एपरेंट आ जाएगा। और उसके बाद जो है मेरे पास अगर एक नोन सॉलिड है जिसका अल्फा मुझे नोन है, तो मैं दूसरा कोई भी अननोन सॉलिड का अल्फा मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी पढ़ाया, ये काफी जरूरी कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग सवाल को सॉल्व करने में हमारे मदद करता है। ओके दोस्तों, देखते हैं अब अगले किस प्रोफाइल का क्वेश्चन सॉल्व आ सकता है। अब मेरे पास क्या है, ध्यान देना, सेटअप को समझो। मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, राइट। ये मान लो ग्लास कंटेनर है मेरे पास, ओके। अच्छा, अब ये ग्लास कंटेनर में साइड में हाइट मेजरिंग एक स्केल है, तो मेरे पास यहां पर एक ब्रास स्केल है, मेरे पास यहां पर एक ब्रास स्केल है, ठीक है, जो उसके साथ अटैच्ड है, देखे होंगे तुम लोगों ने मेजरिंग फ्लास्क में। और उसके बाद मेरे पास इसके अंदर एक लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, मेरे पास इसके अंदर एक लिक्विड रखा हुआ है। नाउ ये वाला लिक्विड में क्या है, इनिशियली टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0°C। तब मैंने लिक्विड का यहां पर जो हाइट है उसका रीडिंग लिया, और ब्रास स्केल में इसका जो रीडिंग आया है वो है मेरे पास एच नॉट। ब्रास स्केल में ऐसे छोटे छोटे घर कटे हुए होते हैं, हर एक घर 1 मिलीमीटर का मान सकते हो, तो मान लो एच नॉट मिलीमीटर तक उसका रीडिंग आया है। एक घर कितने का है मुझे मालूम नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। जो ग्लास कंटेनर है उसका अल्फा दे रखा है, ठीक है, जो ग्लास कंटेनर है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फा, जो ब्रास स्केल है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फा 1, और जो लिक्विड है उसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन है गामा, ठीक है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ, ध्यान दो। जो मेरे पास एक ग्लास कंटेनर के अंदर साइड में हाइट मेजरिंग एक टूल है, और वो टूल का जो हाइट है दैट इज इक्वल्स टू एच नॉट, पहली बात तो ये है। अब क्या है, पूरा चीज मेरा 0° पे सेटअप है, ठीक है, और तब मैंने रीडिंग वहां से देखा वो आया है मेरे पास एच नॉट। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान दो,
अब मेरे पास क्या है, जो लिक्विड है उसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन है, और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन जो होगा दैट इज इक्वल्स टू गामा। जो मेरा ग्लास कंटेनर है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फा, और जो मेरा ब्रास स्केल है उसका मेरा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फा वन। तो इस पोजिशन में मुझे क्या निकालना है, ध्यान दो, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। पूरा सिस्टम का टेम्परेचर मैंने डेल्टा टी से बढ़ाया, तो सवाल यह है कैलकुलेट द न्यू रीडिंग ऑफ द लिक्विड। अब जो लिक्विड का हाइट का रीडिंग आएगा नया, वो कितना आने वाला है उसके बारे में मुझे यहां पर सवाल किया गया है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को थियोरेटिकली समझते हैं, जो आखिरकार इस क्वेश्चन में हो क्या कह रहा है। अच्छा, जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली द लिक्विड विल एक्सपांड, ठीक है, बट जो मेरा कंटेनर है उस कंटेनर का ध्यान देना, हाइट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो हमारा इंक्रीज करने वाला है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका इफेक्ट भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये है, जो हमारा ब्रास स्केल है उस ब्रास स्केल का जो एक घर का वैल्यू है वो भी डेफिनेटली हमारा बदलने वाला है। तो ब्रास स्केल का एक घर का वैल्यू अगर बदलने वाला है तो जो रीडिंग हम लेंगे वो भी एक अलग स्केल पे होगा एज कंपेयर टू 0 degree Celsius। ठीक है, तो समझ में आया, आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। तो एक एक करके एक चीज देखते हैं। अच्छा, मान लेता हूं जो मेरा टेम्परेचर 0 degree Celsius है, उसको टी नॉट बोलता हूं, उस टाइम पे यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था नीचे का वो था ए नॉट, और इसका एक घर जो था वो मैं ले लेता हूं 1 unit। कौन सा यूनिट पता नहीं, मतलब जो यूनिट है जिसमें मेरा हाइट आया है उस यूनिट के बारे में बातचीत चल रही है, से 1 millimeter, से 1 centimeter, वट एवर यू वॉन्ट टू से, डजेंट मैटर। अच्छा, अब एक बात समझो क्या होता है यहां पर, टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। सो व्हाट विल हैपन, जो हमारा लिक्विड है उसका वॉल्यूम में बदलाव आएगा, और इनिशियल वॉल्यूम जो कि था हमारा ए नॉट इंटू एच नॉट, वो इनिशियल वॉल्यूम था, नीचे का एरिया ए नॉट था, ये वाला हाइट एच नॉट था, तो इनिशियल वॉल्यूम था ए नॉट एच नॉट इंटू 1 plus gamma delta t, राइट, ओके। अब ये जो वॉल्यूम का एक्सपांशन है वो वॉल्यूम का एक्सपांशन लेकिन उतना नजर नहीं आएगा जितना आना चाहिए था। उसका कारण समझना क्या है, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो बढ़ेगा। तो अगर मान लो इसका इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नॉट था, तो जो नया क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ए, दैट विल बी इक्वल्स टू ए नॉट इंटू 1 plus beta delta t, and beta is nothing but 2 alpha delta t। पर साथ ही साथ और एक चीज भी होगा, वो बाद में काम आएगा, स्केल का एक घर अब जो आएगा वो आएगा 1 plus alpha 1 into delta t। पहले अगर 1 unit था तो स्केल का जो नया एक घर है
वो आएगा 1 plus alpha 1 into delta t। आई होप ये वाली बात तुम लोगों को समझ में आया होगा। चलो एक बार के लिए अभी फिलहाल के लिए स्केल को भूल जाओ। तो मेरे पास इतना वॉल्यूम का लिक्विड है जो इतना एरिया के कंटेनर में रखा गया है, तो जो हमारा हाइट h आना चाहिए दैट विल बी सिंपली vl डैश बाय a। इतना हाइट का लिक्विड यहां पर राइज हो जाएगा एक्चुअल में, इतना हाइट का लिक्विड जो है वो एक्चुअल में मेरा राइज हो जाएगा। तो अगर मैं इस पे ध्यान दूं दैट विल बी इक्वल्स टू a नॉट h नॉट इंटू 1 plus gamma delta t by a नॉट इंटू 1 plus 2 alpha delta t। सो a नॉट इज गॉन। तो जो हाइट राइज होना चाहिए था, यानी जो होगा भी h हाइट राइज है, ये मेरा रीडिंग नहीं है, अभी भी ध्यान देना क्योंकि रीडिंग में एक पंगा है, वो जिससे लेना है वो खुद बदतमीज है। मेरा जो स्केल है उसका भी एक्सपांशन तो हो ही रहा है, तो हाइट जो चढ़ेगा असली में, अगर मान लो मेरा स्केल का एक घर नहीं बदलता तब जो हाइट मुझे नजर आता वो क्या था, h दैट इज इक्वल्स टू h नॉट 1 plus gamma delta t into 1 plus 2 alpha delta t to the power minus 1, राइट। सो मेरे पास ये आ जाएगा h इक्वल्स टू h नॉट इंटू 1 plus gamma delta t इंटू 1 minus 2 alpha delta t। सो अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, गामा इंटू अल्फा बेहद छोटा टर्म है, इसको मैं प्रैक्टिकली नजरअंदाज कर सकता हूं, तो h मेरे पास आ जाएगा h नॉट इंटू 1 plus gamma minus 2 alpha into delta t। यहां पर बाइनोमियल अप्लाई किया और मेरे पास ही आ गया h। ये हाइट तो तब होता जो अगर अभी भी हर घर एक यूनिट का ही रीडिंग देता, लेकिन अब जो मेरा स्केल का एक घर है वो एक यूनिट से बदल के 1 into 1 plus alpha 1 delta t बन चुका है, तो अब जो मेरा रीडिंग आएगा दैट रीडिंग विल बी सिंपली इक्वल्स टू ये वाला हाइट बाय एक घर, हा कि ना, राइट। बेसिकली रीडिंग वही होता है जो नंबर ऑफ घर्स है। सो रीडिंग इक्वल्स टू h नॉट इंटू 1 plus gamma minus 2 alpha delta t बाय 1 plus alpha 1 into delta t। चलो इसके ऊपर ले जाऊंगा तो क्या जाएगा, 1 minus alpha 1 delta t। बाइनोमियल अप्लाई करते हुए तो मेरे पास क्या जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू h नॉट 1 plus gamma minus 2 alpha delta t इंटू 1 minus alpha 1 into delta t। एंड अगेन मल्टीप्लाई नाउ, 1 तो रहेगा, अगला टर्म ये रहेगा, माइनस साइन के साथ ये रहेगा, जो लास्ट का फोर्थ टर्म है उसको मैं डेफिनेटली नेग्लेक्ट कर सकता हूं क्योंकि रीजन गामा माइनस टू अल्फा भी स्मॉल है, इनटू अल्फा वन अति भयंकर स्मॉल है, सो दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। सो रीडिंग विल सिंपली कम आउट टू बी एच नॉट प्लस 1 plus gamma minus 2 alpha minus alpha 1 into delta t। सो दिस विल बी द न्यू रीडिंग ऑफ द हाइट जो मुझे नजर आएगा। आई होप दैट पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड, राइट। और किस प्रकार के क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसमें, चलो एक बहुत आसान क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मेरे पास मर्क्यूरी है, ठीक है। कंटेनर का वॉल्यूम जो कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है वो है गामा सी, और लिक्विड का यानी मर्क्यूरी का मान लो है गामा एम। जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो है वी नॉट,
ठीक है, कैलकुलेट गामा एम फॉर विच, कैलकुलेट गामा एम फॉर विच द वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जो खाली जगह है उसका वॉल्यूम ना बदले उसके लिए कंडीशन क्या होगा? सिंपल बात है, अगर खाली जगह का वॉल्यूम को फिक्स रखना है तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाने पर या घटाने पर डजंट मैटर, जितना हमारा कंटेनर बढ़ना चाहिए उतना ही हमारा मर्क्यूरी भी बढ़ना चाहिए, यानी डेल्टा वी ऑफ कंटेनर मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा वी ऑफ मर्क्यूरी। डेल्टा वी ऑफ कंटेनर मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा वी ऑफ मर्क्यूरी, यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं ध्यान दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, वी नॉट इंटू गामा कंटेनर इंटू डेल्टा टी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू वी ऑफ मर्क्यूरी इंटू गामा मर्क्यूरी डेल्टा टी। मेरे पास सिंपली ये रिलेशन आएगा। सो नाउ डेल्टा टी इज कैंसल्ड, तो वी मर्क्यूरी विल बी सिंपली वी नॉट इंटू गामा कंटेनर बाई गामा मर्क्यूरी। तो ये मेरे पास एक सिंपल रिजल्ट आने वाला है, राइट? काफी ज्यादा आसान, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो हम लोगों ने वहां पर लेंथ ऑफ रॉड्स के लिए किए थे, एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉब्लम यहां पर हम देख सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं, धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है, ठीक है? पहले इन दोनों क्वेश्चन को ढंग से समझ लो एंड देन फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या है मेरे पास, एक लिक्विड के अंदर एक सॉलिड जो है वो हमारा फ्लोट कर रहा है। एक लिक्विड के अंदर जो सॉलिड है वो हमारा फ्लोट कर रहा है, ठीक है? नाउ अब मेरे पास क्या है, ध्यान देना, इस वाले का गामा जो है वो हमें जीरो दे रखा है, यानी ये वाला सॉलिड जो है वो हमारा एक्सपांड बिल्कुल भी नहीं करता है, राइट? अब क्या है, ये बोला हुआ है लिक्विड जो है वो एक्सपांड करता है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्यूबिकल एक्सपांशन जो है वो है हमारा गामा। एट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर टी वन, फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सबमर्स्ड, फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सबमर्स्ड इज इक्वल्स टू एफ वन, ठीक है? एंड एट टेम्परेचर टी टू, फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सबमर्स्ड, फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सबमर्स्ड इज इक्वल्स टू एफ टू, ये दे रखा है। यानी अलग अलग फ्रैक्शन सबमर्ज होगा क्योंकि लिक्विड का डेंसिटी डेफिनेटली बदलने वाला है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा तो लिक्विड का डेंसिटी कम हो जाएगा, और लिक्विड का डेंसिटी कम होने के कारण बहुत सिंपल सी बात है, जो फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड है वो ज्यादा अंदर होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। सो ये इंफॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है, सॉलिड मेरा एक्सपांड नहीं करता है, देन कैलकुलेट द गामा ऑफ लिक्विड। लिक्विड का गामा कितना होगा वो हमें निकालना है। तो ध्यान दो क्या किया सकता है। तो यहां पर जो तरीका है, जो अरेंजमेंट है, पहले उस बात को समझते हैं। टेम्परेचर T1 पे
टेम्परेचर T1 पे हम लिक्विड डेंसिटी को मान लेते हैं ρ1, ठीक है। सॉलिड डेंसिटी वो तो फिक्स रहेगा, सॉलिड डेंसिटी को भी हम मान लेते हैं ρ0। जो हमारा लिक्विड डेंसिटी है वो है मेरा ρ1, और जो मेरा सॉलिड डेंसिटी है वो मेरा है ρ0। ρ0 टेम्परेचर पे कोई बदलाव उसका नहीं आने वाला है। तो ध्यान देना, सॉलिड का मास फिक्स है, तो जो बॉयंट फोर्स हमें चाहिए होगा वो भी एक्चुअल में फिक्स है, राइट। प्रॉब्लम जो है वो केवल और केवल हमारे डेंसिटी ऑफ लिक्विड के कारण ही है। तो ध्यान देना, लिक्विड का डेंसिटी अगर ρ1 है और सॉलिड का डेंसिटी अगर ρ0 है, तो हम मान लेते हैं जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो है V0। अब जो लिखा है उसमें ध्यान देना, तो V0 ρ0 g, दैट इज mg, मस्ट बी इक्वल टू द बॉइंट फोर्स, और बॉइंट फोर्स आएगा F1 इंटू V0। अगर F1 फ्रैक्शन अंदर सबमर्ज्ड है तो उतना ही वॉल्यूम, डेफिनेट सी बात है, सॉलिड लिक्विड का डिस्प्लेस किया है। तो F1 इंटू V0 इज द वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड फ्लूइड इंटू ρ1 इंटू g। सो g इज कैंसल्ड, V0 कैंसल्ड, सो F1 इंटू ρ1 इज नथिंग बट ρ0। मैं ये चीज तो बोल सकता हूं ना। अब अगर मैं टेम्परेचर T2 के बारे में बात करूं, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। हम केवल यहां पर यह मान लेते हैं जो मेरा लिक्विड डेंसिटी है वो लिक्विड डेंसिटी मेरा ρ2 है, बाकी सब तो फिक्स रहेगा। सो सिंपल सी बात है, F2 ρ2 दैट विल बी इक्वल्स टू ρ0। F1 ρ1 भी ρ0 है और F2 ρ2 भी जो है वो भी मेरा ρ0 है। तो सिंपली इन दोनों को मैं एक साथ अगर लिखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, F1 ρ1 मस्ट बी इक्वल्स टू F2 ρ2। F1 ρ1 मस्ट बी इक्वल्स टू F2 ρ2। सो F1 ρ1 इक्वल्स टू F2 ρ2 को मैं लिख सकता हूं या नहीं, 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1। अगर टेम्परेचर T1 पे डेंसिटी ρ1 है और टेम्परेचर T2 पे डेंसिटी ρ2 है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं ρ2 विल बी इक्वल्स टू ρ1 इंटू 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। सो नाउ ρ1 इज कैंसल्ड, सो F1 बाई F2 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, तो गामा इंटू T2 माइनस T1 विल बी 1 माइनस F1 बाई F2, दैट इज F2 माइनस F1 बाई F2। तो सिंपली अब मैं डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास रो आ जाएगा, तो रो मेरे पास आ जाएगा, सॉरी गामा मेरे पास आ जाएगा F2 माइनस F1 by F2 into T2 minus T1। ये है मेरा गामा। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, समझ में आया है या नहीं आया है, राइट। तो बेसिकली मैं क्या किया, मैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड में रिलेशन बनाया, और वो रिलेशन से मैंने क्या किया, सिंपली गामा निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ F1 F2 T2 एंड T1, राइट। काफी ज्यादा आसान सवाल है, काफी आसानी से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, हमारे पास एक सॉलिड है, उसका एक्चुअल में जो वेट है, उसका एक्चुअल में जो वेट है वो है W0, ठीक है।
मैं उसको सेम लिक्विड के अंदर कंप्लीटली इमर्स कर रहा हूं. डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. ठीक है, तो जब मैंने लिक्विड के अंदर टेम्परेचर T1 पे इमर्स किया, तब मेरे पास ये आया उस सॉलिड का जो एपरेंट वेट है, उस सॉलिड का जो एपरेंट वेट है वो आया है मेरे पास W1. लिक्विड जब मैं उसको टेम्परेचर T1 पे इमर्स किया तो तब उसका एपरेंट वेट आया है W1. T1 जो है वो मेरा सॉलिड और लिक्विड दोनों का टेम्परेचर है. तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग यहां पर ये चीज मान लेंगे जो कोई भी हीट ट्रांसफर डेफिनेटली नहीं हुआ है. अच्छा, लिक्विड जहां पर टेम्परेचर, जब मैंने उसको टेम्परेचर T2 पे डाला तब मेरा एपरेंट वेट आया, तब मेरे पास एपरेंट वेट आया W2. ठीक है, टेम्परेचर जब T2 है तब मेरा एपरेंट वेट जो आया वो कितना आया है W2. ये दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, वो मेरे पास कितना रखा है, दैट इज सिंपली इक्वल्स टू गिवन गामा. जो लिक्विड का, जो हमारा सॉलिड का वॉल्यूम एक्सपांशन का कोएफिशिएंट है वो दे रखा है मुझे गामा. तो मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, वो कितना होने वाला है. जो मेरा लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन है वो कितना होने वाला है, मुझे उस चीज की जानकारी की जरूरत है. तो कैसे प्रोसीड करेंगे, लेट्स सी. तो कुछ तो मानना पड़ेगा मुझे, तो मान लेते हैं एक एक चीज. जो हमारा सॉलिड है, जो हमारा सॉलिड है उसका डेंसिटी हम मान लेते हैं, उसका डेंसिटी क्या, वॉल्यूम मान लेते हैं. चलो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एट टेम्परेचर T1 वो मान लेता हूं V0. जो हमारा सॉलिड का टेम्परेचर है वो मेरा सॉलिड का टेम्परेचर T1 है, उस टाइम पे उसका जो वॉल्यूम है वो है मेरा V0. तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं उसको लिक्विड के अंदर डालूंगा तो लिक्विड के अंदर V0 वॉल्यूम का लिक्विड को डेफिनेटली डिस्प्लेस करने वाला है, राइट. और दूसरा मान लेता हूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T1 दैट इज इक्वल्स टू ρ1 मान लेते. तो दोस्तों ध्यान देना, क्या मैं तब एक चीज लिख सकता हूं, अब एक्चुअल वेट है W0 और एपरेंट वेट है कितना W1 T1 पे, तो जो बॉयंट फोर्स आया है, एक कंप्लीट सबमर्ज का केस है, फ्लोटिंग का केस नहीं है, तो जो बॉयंट फोर्स आया है वो बॉयंट फोर्स विल बी नथिंग बट सिंपली W0 माइनस W1 एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ρ1 इंटू V0 इंटू G. ये मेरे पास आएगा, राइट. और अब जो अगर मैं उसी चीज को टेम्परेचर T2 पे लिखूं तो इन दैट केस मेरे पास आएगा W0 माइनस W2 इज इक्वल्स टू ρ2 V0 डैश इंटू G. इज इट क्लियर, समझ में आया. मैं वही लॉजिक को, तो जब मेरा टेम्परेचर T2 होगा तो उसका वॉल्यूम डेफिनेटली बदलेगा, उसका वॉल्यूम को मैंने V0 डैश मान लिया, और मान लेता हूं लिक्विड का डेंसिटी वहां पर ρ2 है, तो बॉइंट फोर्स क्या आएगा, V0 डैश विल बी द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, ρ2 इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, सो
rho 2 into V0 dash into G is basically the buoyant force at that particular temperature T2. Clear? Okay. So now, let's see. बड़े बात ये है जो V0 dash का वैल्यू में इन टर्म्स ऑफ V0 तो लिख सकता हूं क्योंकि सॉलिड के कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा दे रखा है तो V0 dash will be simply V0 into 1 plus gamma delta T. Delta T का वैल्यू बाद में पुट कर देंगे T2 minus T1. Right? And rho 2 is nothing but rho 1 into 1 minus gamma liquid into delta T. Gamma liquid वो है जो मुझे निकालना है. तो simply मुझे जो दिख रहा है क्योंकि G का टंटन से तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुझे क्यों ना मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं और जैसे मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा W0 माइनस W1 बाई W0 माइनस W2 दैट विल बी इक्वल्स टू GG कट रो वन बाई रो टू तो रो वन बाई रो टू और V0 बाई V0 डैश आएगा V0 बाई V0 डैश आएगा तो उल्टा कर लेते हैं थोड़ा लिखने में आसानी होगी उल्टा कर लेते हैं एक बार के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है अब इसको इससे डिवाइड करो तो रो टू बाई रो वन क्या आएगा वन माइनस गामा एल डेल्टा टी और विनोट डैश बाई विनोट क्या आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू वन प्लस गामा डेल्टा टी राइट तो अब अगर मैं यहां से लिखूं W0 minus W2 by W0 minus W1 1 minus gamma L delta T plus gamma delta T last for a term भाड़ में जाए neglect बहुत बड़ा है बहुत छोटा है practically मैं neglect कर सकता हूं so gamma L delta T क्या लिख सकता हूं इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ 1 माइनस W0 माइनस W2 बाय W0 माइनस W1 प्लस गामा डेल्टा टी तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं गामा L डेल्टा टी यहां पर क्या जाएगा W2 माइनस W1 बाय W0 माइनस W1 प्लस गामा डेल्टा टी तो सिंपली अब डेल्टा टी से डिवाइड कर दो और डेल्टा टी का वैल्यू है कितना टी टू माइनस टी वन पुट कर दो उसे तो मेरे पास जो गामा एल है वो आ जाएगा कितना गामा प्लस डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू वन बाई डेल्टा टी यानी टी टू माइनस टी वन ये मेरे पास आ जाएगा लिक्विड का गामा एंड ये जो लिक्विड का गामा है वही हमें निकालना था तो चीजों को मान लो तो काफी आसानी के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो अगर हम लीनियर एक्सपांशन को एक बार ढंग से स्ट्रॉन्ग करें इस कारण पे उसका मैं बहुत सारे टाइप का एग्जांपल्स लिया तो वॉल्यूम एक्सपांशन में कंसेप्चुअली कुछ डिफरेंट नहीं होता है बस लिक्विड आ गया है तो मैं बॉयंट फोर्स प्रेशर इन सब चीजों को लेकर खेलता रहूंगा लेकिन मुद्दा जो है वो तो हमारा हमेशा ही सेम रहने वाला है तो आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड एंड थर्मल एक्सपांशन मोटे मोटे तौर पे यहीं पे हमारी समाप्त होती है ओके थैंक यू दोस्तों